उनका पीर खुश हो जाएगा। नासिर मिल्लत की तारीफ करें, उनकी बुजुर्गी बयान करें, उनकी करामतें बयान करें, तो बोलो मुसलमानों उनका पीर खुश होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमारे पीर साहब की तारीफ हो रही है। और खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इसी मस्जिद के अंदर अगर कोई हुजूर मुफ्ती आजम पीलीभीत मुफ्ती मासूम रजा खान साहब सिमला की अगर कोई तौहीन कर दे, अगर कोई मुस्ताखी कर दे, अगर उनकी शान में कोई नासेवा कलमा बोल दे, तो बोलो मुसलमानों वही अपने पीर की तारीफ पर सुभान अल्लाह कहने वाले, अपनी पीर की तारीफ पर माशाअल्लाह कहने वाले, तारीफ करने वाले को नजराना देने वाले, कि अपने पीर की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, कि अपने पीर की तौहीन पर खामोश रहेंगे, कि अपने पीर की गुस्ताखी पर खामोश बैठे रहेंगे, आपका यही जवाब होगा कि कतई खामोश नहीं बैठेंगे। जो सुभान अल्लाह कहने वाले हैं, माशाअल्लाह कहने वाले हैं, अपने पीर की तारीफ पर खुश होने वाले हैं, अगर वाकई वो अपने पीर से मोहब्बत करते हैं, अपने पीर से प्यार करते हैं, तो जितनी खुशी उनको पीर की तारीफ में नहीं हुई है उससे कहीं ज्यादा उनको गुस्सा पीर की गुस्ताखी पर आना चाहिए, पीर की तौहीन कराना चाहिए, पीर की बुराई कराना चाहिए। अगर वो इंसान सुभान अल्लाह कहता रहे, माशा अल्लाह कहता रहे, तारीफ पर दावे तहसीन देता रहे, लेकिन पीर की गुस्ताखी पर कुछ ना बोले, पीर की तौहीन पर कुछ ना बोले, जमाना उसे ये कहता है कि ये मतलबी है, ये मुरीद नहीं है, ये मरीज है, वो ऐसा है कि नहीं, लेकिन पीर की गुस्ताखी पर तारीफ से ज्यादा उसको गुस्सा आना चाहिए कि मेरे पीर के बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे पीर के बारे में वैसा बोल दिया, लड़ने मरने के लिए खड़ा हो जाए, और खड़ा होने वाले इंसान को, लड़ाई करने वाले इंसान को, पीर के गुस्ताख को गिरेवान पकड़ करके मुंह में लाते मारने वाले को पीर का वफादार कहा जाता है, पीर का वफादार कहा जाता है। और ऐसे शख्स को पीराने एहसान भी, मखदूमे इकराम भी, आजकल इल्ला माशाअल्लाह अगर पीर के खातिर लड़ने वाला अगर कोई मुरीद है तो उसको बड़ी ऊंची मकाम तक रखा जाता है। आओ आओ ये हमारे लिए लड़े हैं, आओ ये हमारे लिए गाली खाए हैं, ये हमारे लिए मार खाए हैं, उसको बड़ा कलेजे से चिपकाया जाता है, ये हमारा वफादार है उसको गले से लगाया जाता है। मुसलमानों जरा ज़हनो फ़िक्र की हाजिरी चाहता हूँ, ये तुम्हारे पीर हैं, इन पीरों की पीरी भी गौसे आदम से मुंसलिक है, गौसे आदम से जुड़ी हुई है, गरीब नवाज से जुड़ी हुई है। किसी के भी पीर हो, अगर गौसे आदम रज़ियल्लाहु हो तआला अन्हु उस पीर के करम अपने करम की चादर रहमत उस पीर से खोज ले, तो वो पीर पीर नहीं रह जाता है, वो बली बली नहीं रह जाता है। तो बोलो मुसलमानों, पीर की गुस्ताखी पर तुम्हारा खून खौलता है, पीर की गुस्ताखी पर तुम मरने और मरने के लिए तैयार होते हो, तो हौसले आदम की गुस्ताखी पर खामोशी कैसी, नबी नवाज की तौहीन पर खामोशी कैसी, नबी पाक की गुस्ताखी पर खामोशी कैसी। मुसलमानों ये मतलब परस्ती है, ये पीर परस्ती नहीं है, लिहाजा पीर परस्ती का नाम है। जो पीर का गुस्ताख उसको भी गुस्ताखी कहा जाएगा, और जो पीराने पीर का गुस्ताख है उसको भी गुस्ताख कहा जाएगा। मोहब्बत करने का दावा करते हैं आप, पीरों के चक्कर में लड़ेंगे। एक बुजुर्ग का वाकया है, लिखा हुआ है, नाम मुझे याद नहीं है। दोनों बुजुर्ग बुजुर्ग आपस में इख्तलाफ हो गया, इख्तलाफ हुआ काम में बातचीत पर, काम में सरकार तशरीफ लाए, बुजुर्ग से इशारा फरमाया इख्तलाफ कैसा, कहा मुझे सामने वाले से कुछ टेंशन है, कुछ बुराई है, इख्तलाफ है। इरशाद फरमाया हमारे आका ने वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, जब दोनों मोहब्बत करते हो तो जब दोनों एक ही से मोहब्बत करते हो, उसी नबी से मोहब्बत करते हो, तो फिर जुदाई कैसी, इख्तलाफ कैसा। तीन की गुस्ताखी पर गुस्सा आता है, उस्ताद की तौहीन पर गुस्सा आता है, और उस उस्ताद को नबी को बेदर उस्ताद कहा जाए, लाचार कहा जाए, नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा जाए, और भाइयों के साथ वो मुरीद खाए, देवबंदियों के
इमाम हुसैन अपनी पूछा अपनी किताब मैदान सुन्नत के अंदर तो इतना दावत है ग्रामीण वाले
एक पीर में जाइए कि हमारा पीर सलामत है, किसी का पीर सलामत नहीं रहेगा। अगर हो सकता है अपनी चादर लहर उठा लें और उन्हीं के उस्ताद के साथ, उन्हीं के बेअदब के साथ खाना पीना, उनकी तस्दीकों में जाना, उनके उसका खाता काटना, उनकी बातें सुनना। अभी से बात में फरमाया गया रहेंगे और यही सच्चे गुलाम उसी से
दज्जाल के पास जाने वालों को रोकेंगे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और जो हमारे आका ने फरमाया जाएंगे उन्हीं की तरह हो जाएंगे, ये वही सुलाकुल्ली होंगे, ये वही लोग होंगे जो कहते हैं चलो देखते हैं, वहाबियों में भी देख लेते हैं क्या बोलते हैं, तहावियों में भी देख लेते हैं क्या बोलते हैं। यही वो सुलाकुल्ली और किसने लोग होंगे जो दज्जाल को देखने जाएंगे, और हौसे आजम के वफादार जो आज भी दुनिया में मौजूद है वो कयामत तक बाकी रहेंगे, और उनको रोकेंगे मत जाओ मत जाओ। ये सुलाकुल्ली किलकिले जाएंगे, दज्जाल को देखेंगे और दज्जाल ही की तरह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे, अल्लाह ताला गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत रखा।